नमस्कार दोस्तों, ऋतु एस्ट्रो वर्ल्ड में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ काल सर्प दोष के दुष्प्रभाव के बारे में। अगर आपकी जन्मपत्री में काल सर्प दोष किसी भी तरह से निर्मित होता है, जैसा कि आप सबको विदित है 12 तरह के काल सर्प दोष होते हैं, अगर आपकी जन्मपत्री में काल सर्प दोष महापदम नाम का काल सर्प दोष अगर बनता है तो उसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं और कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि ये दोष हमारी जन्मपत्री में है या नहीं, इसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगी। अगर आपकी जन्मपत्री में राहु छठे भाव में स्थित है, सिक्स हाउस में, तो और केतु उससे ठीक सातवें घर में, तो फिर आपके कुंडली में काल सर्प दोष बनता है महापदम नाम का। महापदम नाम का काल सर्प दोष भी अत्यंत कष्टकारी होता है। इससे हम सफलता से कोसों दूर हो जाते हैं। हमें किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है, जो सबसे मुख्य बात है। अगर महापदम नामक काल सर्प दोष है तो निरंतर हम किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं या फिर हमारे शत्रु बहुत ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। कुछ लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं कि जी हम जहां भी जाते हैं वहां पर हमारे शत्रु बन जाते हैं, मित्रों की संख्या बहुत कम रहती है, शत्रुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जाती है, और जबकि उनकी कोई ऐसी बड़ी गलती भी नहीं होती, ये उनकी प्रमुख शिकायत होती है। ऐसे लोग मेरे पास अक्सर ही आते हैं कि वे शत्रुओं का दमन कैसे हो या वो शांत कैसे हो। तो अगर आपके आपकी जन्मपत्री में महापदम नामक काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, ये आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपने कुंडली नहीं भी दिखाई है फिर भी आप इससे अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आपकी लाइफ में है कि शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है, बीमारी से जल्दी छुटकारा नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन में आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो इसका साफ साफ ये इंडिकेट करता है, साफ साफ पता चलता है कि आपकी जन्मपत्री में महापदम नाम का काल सर्प दोष है। इसके निवारण के लिए हम कुछ उपाय बताना चाहते हैं यहाँ पर आपको। सबसे सर्वप्रथम जो काल सर्प दोष का एक सार्वभौमिक और सरल उपाय है कि किसी भी प्रतिष्ठित शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, उनका दुग्धाभिषेक करना, दही से उनका अभिषेक करना, ये बहुत ही अच्छा और सरल उपाय होता है। अगर आप निरंतर और नित्य ये कर सकें, अगर आप नित्य एक ही समय पर सुबह के टाइम पर अगर हो सके तो अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, उनका रुद्राभिषेक करते हैं, तो धीरे धीरे काल सर्प दोष से हमें मुक्ति मिलने लगती है। इसके साथ ही साथ अगर आप ये करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्य नित्य एक ही समय पर करना थोड़ा सा दुष्कर हो जाता है, बहुत सारे कार्य होते हैं, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो इसका बहुत ही सरल उपाय मेरे पास है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। काल सर्प दोषों के 12 तरह के काल सर्प दोषों को ध्यान में रखकर एक काल सर्प दोष निवारक पेंडेंट, ये बहुत ही फलदायी, बहुत ही प्रभावकारी पेंडेंट है। अगर आप इसको धारण करते हैं तो निश्चय ही काल सर्प दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। इसमें इसकी एक आई जो है आंख गोमेद की है और दूसरी आंख लहसुनिया कैप्साई की है। जैसा आप सब जानते हैं कि राहु और केतु इन्हीं दो रत्नों से नियंत्रित होते हैं, गोमेद और लहसुनिया से, तो उसमें इसमें इस यंत्र में इसका समुचित नियंत्रण का प्रबंध किया गया है और बिल्कुल शुद्ध चांदी से निर्मित है ये लॉकेट। इसको पहनने के बहुत जल्दी 21 दिन बाद ही आपको प्रभाव देखना शुरू हो जाता है और 40 दिन होते होते आपको बिल्कुल स्पष्ट प्रभाव नजर आने लगता है कि हाँ, हमारे शत्रुओं की संख्या कम हो रही है, हमारी विद्या अध्ययन की तरफ रुचि जागृत हो रही है, या फिर हमें कोई बीमारी से हम ग्रसित हैं तो उसमें दवा लाभ कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि दवाएं भी फायदा नहीं करती हैं। ये बहुत ही प्रभावी यंत्र है और इसका प्रयोग किया जा चुका है, बहुत ही अनुसंधान के बाद इसका निर्माण किया गया है। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर फोन पर आप इसकी समुचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सरल सहज उपाय है ये और आप इसको बहुत ही आसानी से इस लॉकेट को धारण कर सकते हैं और इसका शुभ प्रभाव देख सकते हैं। तो दोस्तों, महापदम नामक काल सर्प दोष के निवारण के लिए मैंने आज आपको उपाय बताया। भगवान शिव आप सभी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें।